साइड पे बिल्कुल जो है वो कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है, तो अभी मैं कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट के अंदर लेके चलता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ। एक मिनट, ऊपर से आपको जो है यहाँ पे जो है ना बहुत सारी सहूलतें मौजूद हैं, ठीक है, आप वो माइक भी बोलिए। एक मिनट, आपको यहाँ पे वो मिली है, आपको स्कॉलरशिप मिली है, ठीक है, जिसमें आप मंथली आपको पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का ये मेरा सेकंड व्लॉग है और इस टाइम मैं अपनी फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हूँ। तो आज मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी विज़िट करवाने के लिए जा रहा हूँ। यूनिवर्सिटी विज़िट करवाने से पहले मैं आपको जो है कुछ अपने यूनिवर्सिटी ग्राउंड दिखाता हूँ और उसके बाद जो अपने दोस्तों को दिखाता हूँ जो यहाँ पे जो है कैच बॉल से खेल रहे हैं, क्योंकि अभी क्लास का गैप है। उसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि यूनिवर्सिटी अंदर से कैसे लोग बाहर से बोल रहे होते हैं कि फेडरल यूनिवर्सिटी जो ऐसे ही बनी हुई है, बेकार सी, मतलब इतनी अच्छी नहीं बनी हुई अंदर से, बिल्डिंग बाहर से इतनी बेकार है। तो मैं आज आपको अंदर से विज़िट करवाता हूँ कि अंदर से यूनिवर्सिटी हमारी कैसी बनी हुई है। तो आइए हमारे साथ विज़िट कीजिए। ये लोग यहाँ पे जो है ग्राउंड में कैच खेल रहे हैं। ये हमारा उर्दू फेडरल यूनिवर्सिटी का ग्राउंड है, मैं आपको पूरा ग्राउंड दिखाता हूँ। यहाँ पे ये बीच में बिल्कुल पिच बनी हुई है ग्राउंड के, और ये पिच के बाद ये पूरा हमारा इंटीरियर है ग्राउंड का, पूरा बाउंड्रीज सेट हुई है पूरी, एंड एक प्रॉपर ग्राउंड बना हुआ है बिल्कुल जिस तरह ग्राउंड होते हैं। और ये इनका अपना फेडरल उर्दू वालों का ज़ाती ग्राउंड है। ये पीछे फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन ये हमारी बिल्डिंग नहीं है, ये गुलशन का एक ही कैंपस है, लेकिन ये बिल्डिंग हमारी नहीं है, क्योंकि जो है हमारा जो डिपार्टमेंट है कंप्यूटर साइंस को बैक साइड की तरफ है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरा ग्राउंड है, ग्राउंड के बाद फिर ये बाहर की तरफ ये गेट है, और गेट से निकलने के बाद ये आप देख सकते हैं सामने दरख्त है, नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये जो दिख रहा है आपको ये बिल्डिंग, ये है हमारा कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट, जो हम अभी अंदर से जाके आपको दिखाते हैं। तो हमारे साथ रहिए, अंदर लेके चलते हैं, दोस्त आ रही है खेल लें कैच, उसके बाद मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ अंदर का भी। ये हमारे कुछ बर्गर दोस्त हैं जो खेलने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखते, सिर्फ ये ग्राउंड में अभी है, देख आ जा बैठते हैं। ये बेचारे ऐसे लोग हैं जिनको रोज़ा लग जा रहा है धूप में, तो ये लोग जो है सिर्फ बैठने के लिए आते हैं। अब आगे चलते हैं, कभी हो गया काम। ये हम ग्राउंड के गेट से बाहर निकले हैं, और ये जो गेट है ना, ये मेन गेट है, ये हमारे कैंपस का मीन्स गुलशन कैंपस का दूसरा गेट है जो ग्राउंड के बाहर से निकलता है, ग्राउंड के बाद आता है। और इस गेट से मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ और पूरा विज़िट करवाता हूँ कि इससे आगे जो है यूनिवर्सिटी के अंदर क्या है। ये ऑडिटोरियम है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ऑडिटोरियम, अंदर लेके जाता हूँ यहाँ से। उसके बाद एंट्रेंस है, और अभी हम यहाँ से इस गेट से एंटर हुए हैं अंदर की तरफ, और इस गेट से एंटर होते ही जो है ये पूरी हमारी यूनिवर्सिटी का इंटीरियर है, और राइट साइड पे बिल्कुल जो है वो कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है। तो अभी मैं कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट के अंदर लेके चलता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ। लेफ्ट साइड से जाते हैं और ये कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट के अंदर हम एंटर हो गए। ये हमारा अपना डिपार्टमेंट है जिसमें हम इस टाइम पे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे जो है ये मैनेजमेंट का रूम है, ये लैब है, लैब टू, ये स्टेयर ऊपर ही हम सेकेंड के लिए, क्लास वन है, यहाँ क्लास सभी हो रही है। रूम नंबर देगा, रूम नंबर। ये हमारे दोस्त जो मेरे साथ साथ पीछे जा रहे हैं सपोर्ट करने के लिए, वॉशरूम है, क्लासेस हैं, पापा की पत्नी यहाँ पे बैठी है, क्लासेस हैं, ये भी रूम है, क्लासेस हो रही है, ये भी रूम है, यहाँ पे रूम में क्लास हो रही है, क्लास हो रही है। वैसे हम क्लास दिखा नहीं सकते अभी, क्योंकि क्लास अलाउ नहीं होती, ये HOD का रूम है,
मीन्स हेड ऑफ डिपार्टमेंट का रूम है जो कि अभी लॉक है। यहाँ पे टीचर्स होती हैं, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। ये गेट हमेशा बंद रहता है, ये नहीं पता क्यों बंद रहता है, लेकिन जब हम फर्स्ट डे आए थे जब ये गेट खुला हुआ था, लेकिन अब ये बंद रहता है। क्यों रहता है, इसकी वजह कुछ पता है फहीम आपको, गेट क्यों बंद रहता है? सिर्फ हमने जादू देखा है कि एचओडी यहाँ खड़ा होता है और ऑटोमेटिकली उस तरफ चला जाता है गेट के। ये हमें भी नहीं पता कैसे जाता है, जाके दिखाओ। नहीं जा सकते, बंद है, ताला लगा बाहर से। आगे आओ। कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट इतना बड़ा तो नहीं बना हुआ, लेकिन बस इसमें कुछ ऐसा खास है भी नहीं, सिर्फ लैब्स हैं। ये लैब वन है, वो लैब टू दिखाई, लैब है। यहाँ पे कंप्यूटर फोर एफ के कंप्यूटर्स रखे हैं। लैब में क्लास हो रही है, मैं आपको दिखाता हूँ क्लास के बाद। लेकिन एक प्रॉपर लैब बनी हुई है पूरी। हॉल भी दिखाओ। ये हमारा ग्राउंड है, मेन ग्राउंड है। यहाँ पे भी हम लोग कैच कैच खेल रहे थे, लेकिन हमें यहाँ से निकाल दिया था क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हुए होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं जब क्लास का गैप होता है तो ज़्यादा। ये पूरा ग्राउंड है हमारा, और ये ग्राउंड के बाद जो है ये हॉल है। ये हॉल है हमारा, ये हमारा हॉल है यूनिवर्सिटी का इंटीरियर का। पूरा हॉल इसका बड़ा वर्क हुआ है फिलहाल तो, भी सिर्फ इसके ऊपर प्लास्टर हुआ है। लेकिन क्या ख्याल है आपका, ये हॉल लगता है कहीं से? अगर पूछा जाए आपको, हम तो यहाँ पढ़ते हैं ना, इसके वैसे बता रहा हूँ। यहाँ पे पेन वैन कुछ इस टाइप का आपको लगता है? सीलिंग तो और इस तरह ये जो ये प्लास्टर हुआ हुआ ये दिख रहा है ना आपको सारा, ये जो नज़र आ रहा है हो जाएगा। मतलब क्या ख्याल है, सही है यूनिवर्सिटी आना चाहिए? इंटर जो भी पास आउट कर रहे हैं बच्चे उनको फेडरल में आना चाहिए, क्या ख्याल है आपका? जो आ चुके हैं वही राय देंगे ना सवाल? जिसका दिल बड़ा वही फेडरल में जी, वो कहीं पे भी पढ़ सकते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। सही बात है। इकरा में देखें, पैसे इकरा में भी दे रहे हैं, पैसे यहाँ पे भी दे रहे हैं, लेकिन फर्क है। यहाँ पे आप कितनी फीस दे रहे हो आपको खुद पता है? हाफ दे रहे हैं, इतना हाफ से भी आप दे रहे हैं। ऊपर से आपको एक मिनट, ऊपर से आपको जो है यहाँ पे जो है ना बहुत सारी सहूलतें मौजूद हैं, ठीक है? आप वो माइक में बोलिए, एक मिनट एक मिनट। आपको यहाँ पे वो मिली हुई है, आपको स्कॉलरशिप मिली है, ठीक है, जिसमें आपको मंथली आपको पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, सेमेस्टर फीस मिल रही है आपको, और जो फीस और अलग से आपको मंथली फीस दे रहे हैं। तो आप मुझे पता है उनके पास कहाँ से आएंगे? टीचर्स, मैं नो डाउट टीचर्स बहुत अच्छे हैं, टीचर्स का मैं भी बुरा नहीं करता, टीचर्स बहुत अच्छे हैं। प्रोफेसर नहीं मिलेंगे वहाँ पे आपको सीधी सीधी बात। और उसके अलावा पढ़ना आपने खुद है, मेरा तो आपने। तो आप लोग भी फर्स्ट सेमेस्टर के? नहीं नहीं, फिफ्थ सेमेस्टर के। तो ये फिफ्थ सेमेस्टर वालों की राय है, मैं तो खुद फर्स्ट सेमेस्टर हूँ, मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन फिफ्थ सेमेस्टर वाले राय दे रहे हैं कि जो भी इंटर पास कर रहे हैं उनको फेडरल यूनिवर्सिटी में आना चाहिए, भले आप आके विजिट कर लें। वैसे ब्लॉग में हम सब कुछ ही दिखा रहे हैं, और उसके बाद आप एडमिशन लेना चाहें या नहीं लेना चाहें वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन जो बंदे अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए बेहतरीन चांस यूनिवर्सिटी का है। सही है, बिल्कुल है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के राय देने का। दिखाने के बाद ये वही है जो अभी मैंने दिखाया था आपको, मैनेजमेंट का रूम था ये, मैनेजमेंट का रूम। ये दोबारा ये एंट्रेंस थी हमारी जहाँ से हम वापस आके निकले थे, और इस एंट्रेंस के बाद से अब हमने जो स्टेयर्स दिखाई थी उससे हम ऊपर ही आते हैं। ऊपर से सेम ऐसा ही बना हुआ है, ऊपर भी सेम ऐसा ही बना हुआ है, लेकिन पीछे पीछे ये सारे मेरे पीछे पीछे दोस्त आते हुए, क्योंकि क्लास भी हमारी ऊपर ही आई थिंक, हमारी क्लास भी ऊपर ही है, इस वजह से सब लोग आए। अच्छा ये क्या है, ये वही आप बताएंगे? ये फैकल्टी रूम है। ओ अच्छा, टीचर्स रूम है, यहाँ पे टीचर्स होते हैं सारे, यहाँ पे आगे चलते हैं। ये भी क्लासेस हैं, सेम क्लासेस हैं, ऐसे जैसे नीचे बनी हुई थी वैसे ही ऊपर बनी हुई है क्लासेस सारे। आगे चलते आगे चलते हैं। ये भी रूम है, ये भी रूम है, क्लास यहाँ सिर्फ क्लासेस इतनी सारी बनी हुई हैं, लेकिन फिल्डअप कितनी होती है क्लासेस? दो तीन क्लासेस से फिल्डअप होती हैं, बाकी तो सारी खाली पड़ी हुई होती हैं। एट ए टाइम कौन सी फिल्डअप होती हैं? मुझे तो नहीं पता। ये लैब फ्री है, लैब फ्री है, ये भी ऑफ है। ये पूरा जो नीचे भी हॉल ग्राउंड था, ये वही ग्राउंड है, ये हॉल था जो मैंने आपको दिखाया, वीडियोस दिखाए सारे। और इसके बाद ये क्या है? फर्स्ट टाइम
हम लोग इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन ये तो वही है। ओ ये पीसीस के डब्बे रखे हुए, नए पीसीस के अभी दे दो मुझे भी। इस तरह ज़मीन पे बैठ के, कोई कुर्सियों पे बैठ के, कोई ग्राउंड में बैठ के टाइम पास करते हैं जब तक क्लास ना हो। तो ये बेचारे ज़मीन पे रोज़ा है, क्योंकि रोज़े के अंदर कहाँ करके बैठे हैं। ग्राउंड में गए, वहाँ से निकाल दिया कि सफाई हो रही है। दोबारा कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट, बस इतना सा ही है कि इतना सा तो खैर नहीं है, काफ़ी बड़ा है, लेकिन क्लासेस ज़्यादा है, कुछ इसमें दिखाने का ऐसा है नहीं जो हम दिखाया जाए, क्योंकि सिर्फ क्लासेस हैं और लैब्स हैं, लैब्स के अलावा कुछ नहीं है। उसके अलावा आपको आगे चलते हैं, क्या ख्याल है आपका? कुछ क्या लिए मैं दिखा दूँ, उंगली बता रहा हूँ, उंगली उंगली गलत बात, ये सब देखते हैं सारी पब्लिक, गलत बात है, उंगली उंगली कुछ भी नहीं, उंगली उंगली दिखानी चाहिए, आप खुद बताएं भाई। आईफोन एक्स बना रहा है, लेकिन इसका पैनल टूटा हुआ है, लॉक के अंदर में कुछ भी भाई, आईफोन एक्स मेरा मांग के बना रहा है, नमूना देख। नहीं नहीं, रमजान के अंदर मस्तियां हो रही है इतनी सारी, ये कह रहे हैं मैं व्लॉग में उंगली दिखाऊंगा, मैंने उंगली दिखाई दिखाई नहीं। अब ये देखो गलत, अभी गलत लेके, देखो व्लॉग में सब देखते हैं, पब्लिक भी देखती है, अगर इस तरह हमारे व्लॉग होंगे तो कौन देखेगा, आप खुद बताएं। आप लोगों ने यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट देखा होगा पूरा, मैंने आपको विजिट करवा दिया कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट, तो बस इतना ही सही, इतना ही बड़ा है कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट, और कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट ज़्यादा इतनी चीज़ें होती भी नहीं है, क्लासेज हैं और लैब्स हैं, लैब्स में अभी इस वैसे दिखा नहीं पाया क्योंकि जो है वो हर सारे लैब्स फुल हैं और उसके अंदर जो है वो पढ़ाई चल रही है, तो उससे ऐसे अलाउ नहीं होता कि स्टडी के दौरान जो है लैब्स दिखाई जाए, लेकिन अभी जो जूलॉजी डिपार्टमेंट है और जूलॉजी के अलावा और जितने डिपार्टमेंट्स हैं, जूलॉजी डिपार्टमेंट है और कौन कौन से हैं, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट है, ठीक है, और पार्ट डी है, ये जो है बहुत अच्छे डिपार्टमेंट्स बने हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर, कोई मतलब और लॉ का डिपार्टमेंट बड़ा, तो वो जो है वो डिपार्टमेंट भी हम दिखाएंगे, पूरा दिखाएंगे और रिव्यूज़ भी आपको सारे दिखाएंगे, स्टूडेंट्स के जो रिव्यूज़ हैं वो सारी चीज़ें हम आपको ऐसे करके दिखाएंगे, ऐसे कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट दिखाएँ, और फिर नेक्स्ट ब्लॉक के अंदर हम आपको जूलॉजी का डिपार्टमेंट दिखाएंगे, फिर उसके बाद फार्मी का डिपार्टमेंट, इस तरह आहिस्ते आहिस्ते करके पार्ट्स के अंदर हम आपको पूरी यूनिवर्सिटी विजिट करवाएंगे, और एक एक क्योंकि जो अभी इंटर पास करने के बाद न्यू एडमिशन आएंगे हमारी तरह, उनको भी बहुत ज़्यादा मसला होगा क्योंकि जो है ना आते हैं, हमने भी आके पूछा कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट कौन सा है, जूलॉजी का कौन सा है, किस तरफ है, तो अगर इस तरह व्लॉग्स देखेंगे, व्लॉग्स देख के फिर आएंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, क्लासेस के लिए भी आसानी होगी और लैब्स के लिए भी आसानी होगी, मैंने लैब्स भी आपको दिखाई थी, लैब 2 है, लैब 1 है, इस तरह आप अगर आप आएंगे तो बहुत ज़्यादा आसानी होगी। टीचर्स से भी मैं कोशिश करूँगा परमिशन देके कि आपको टीचर्स से भी मिलवाऊँ अपने जो टीचर्स हैं, ताकि आप लोग को और हेल्प मिल सके। जब तक के लिए आज के लिए इतना ही, अगर ब्लॉग पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, मैं आपके कहने के ऊपर अभी आज भी हमें सर ने पकड़ लिया था, लेकिन आप लोगों के लिए मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, इसको लाइक कर दें, इस तरह आप करते रहेंगे तो मैं और हेल्प करूँगा और आगे आप यूनिवर्सिटीज़ और विजिट करवा दूँगा।